आज में कुरान बहुत है। ये कई को बोले मालूम, हजरत लंबा नहीं करना बयान में। इनको जोर दिलाना चाहिए, जल से जोर से होना, शौक से होना। बैठने के लिए मैं भी 4 घंटे बैठूंगा, तुम्हें भी 4 घंटे बैठेंगे, लेकिन अंदर से पावर पैदा नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पावर होना है बस। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है। अच्छा ये बोलो, समझ को बोले माशाल्लाह, ये मजबूरी में बोल डाले। क्या बोले सर, हजरत मालूम भी नहीं हो रहा, फिर भी देखे तो माशाल्लाह बोलो, बोल रही ना हजरत। ये बेंगलुरु वाले मौली साहब का जुलूम बहुत होगा, ये समझा तू। शायर कहता है, बल्कि मुसलमान कहता है दुनिया वालों को, अपना जीने का तरीका मत सिखाओ। क्या बोलता है, अपना यानी मुसलमानों को जीने का तरीका मत सिखाओ, अपना अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान बहुत है। किसे किसे बात समझ में आई, हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब फिर बयान करो, क्या फायदा। दूसरी कौमों को अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों को जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, इसलिए कि जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ने हमको कुरान के जरिए अता किया। इसीलिए मैं बेंगलोर में मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी मालूम आपको, मालूम हमारे पीएम होंगे, तुम्हारे भी पीएम नहीं वाला ना, ओ इंडिया के पीएम, कैसा पीएम मिला देखो उन्हें, जब से पीएम बनिया में हसियत नहीं, अब तक का बराबर था। मतलब मैं हंसना थे दूर की बात की, इंडिया हसियत नहीं, अब तक खाली मेकअप कर रहा है उतना अच्छा। एक बात बोलता हूँ सुनो मेरे दोस्तों, मैं उनका नाम क्या है, हमारी इतना बोलने के वास्ते मुझे 2 महीने हो गए। लिखा बी पेटा, बी पेटा के मुसलमानों, अभी मैं अचार पढ़ना बयान करना, कुछ अच्छी अच्छी बातें मौलाना की दुआ से आपके सामने रखना, एक पहली गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के पास दुआ करो कि अल्लाह हमारे सुरों पर अच्छे हाकिम अता करे। क्या बोलते मौलाना, दुआ करते नहीं हम लोग, अल्लाह शादी से पहले दुआ करते नहीं, अल्लाह एक अच्छी गोरी खूबसूरत पैसे वाले बाप की बेटी अता कर, करते नहीं, तहज्जुद में करते, तहज्जुद में जन्नत मांगे नहीं, तहज्जुद में खुदा मांगे नहीं, तहज्जुद में अमल मांगे नहीं, तहज्जुद में मांगे क्या, एक गोरी होना कहते, हाथ लगाए तो मई लगना कहते, इसका कलर देखे तो उल्टे तवे का, मांगो मांगो अल्लाह से, हर चीज बड़ी हो के छोटी अल्लाह ही से मांगो। सारी दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से मांगता है, जिससे मांगते हैं उन्हें नाराज होता है, एक मर्तबा देता है, 2 मर्तबा देता है। अब तो जमाना भी पेट के मुसलमानों, बच्चे माँ बाप से मांगते हैं तो माँ बाप भी दिल छोटा कर लेते हैं, लेकिन सारी दुनिया में एक ही जात ऐसी है जिसके पास ना मांगे तो नाराज होती है, मांगते हैं तो खुश हो जाती है।
बोलो सुभान अल्लाह, बोलो माता माता में बोलना, अच्छे माता है तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलना, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलना। मेरे आका सरदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हर वक्त अल्लाह से मांगता रहता है, कभी वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होता। अल्फाज गौर से सुनो, वो खत पड़े तो मंगना नहीं, हर वक्त मांगते रहना, दे 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 दे। हमने मुसीबत आई तो मांगते सो, हमें परेशानी आए तो मांगते सो, दर्द हुआ तो मांगते सो, तकलीफ आई तो मांगते सो, वक्ती तौर पर मांगते हैं तब भी देता है, लेकिन अल्लाह खुश कब होता है? जब बंदा हर वक्त मांगता है। और आका ने यही फरमाया, वक्ती तौर पर जरूरत पड़े तो मांगने वाला नहीं, हर वक्त मांगने वाला कभी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होता। पॉइंट ये समझ में आ रही है बात? फजर में मांगो, जोहर में मांगो, असर में मांगो, ईशा में मांगो, मगरिब में मांगो, घर से निकले तो मांगो, घर के अंदर दाखिल हुए तो मांगो, बंदों के पास कभी ना मांगो। बंदों के पास मांगने वाले के लिए अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसके लिए मेरी रहमत के दरवाजे बंद कर देता हूँ। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं हजरत, समझ में आई कुछ तेलुगु में? अर्थविंदा समझो, सहाबा कभी किसी के पास मांगे नहीं, औलिया कभी किसी के पास मांगे नहीं, गौस कुतुब अब्दाल कभी किसी के पास मांगे नहीं, उनको सुकून रहता था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मांगते थे और अल्लाह ताला देते। पॉइंट बता रहा हूं, अभी तकरीर शुरू करी नहीं मैंने, अचार पढ़ रहे हैं। मोदी जी पर बात आ गई, मोदी जी है वैसे भी हमारे चार पांच घंटे भी खा लेते। अल्लाह के पास जब मांगते हैं, अल्लाह दौलत बाद में देते हैं। पॉइंट सुनो, मुंडी तू भी हलाओ, इंशाल्लाह मुंडी तू हलाओ। अल्लाह के पास मांगते हैं, मौलाना बड़े मौलाना पीछे बैठे हैं, मौलाना यहाँ बैठे हैं, मौलाना मैं तो छोटा दुबला पतला, इल्म में भी कमजोर हूँ, अमल में भी कमजोर हूँ, दुआ करो। अल्लाह के पास मांगते हैं तो अल्लाह दौलत बाद में देते, पैसा बाद में देते, जो मांगते वो चीज बाद में देते। समझ में आ रही है बानो जवाना? अरे तुम लगा कुछ उन्नत बात करना है। अल्लाह के पास जब मांगते हैं, अल्लाह ताला दौलत बाद में देते हैं, पैसा बाद में देते हैं, जो चीज मांगते वो चीज बाद में देते हैं, पहले दिलों का सुकून देते हैं। ये असल आज दौलत है लेकिन दिल का सुकून नहीं, आज पैसा है दिल का सुकून नहीं, जबरदस्त पैसा है जी भर कर एक आइसक्रीम नहीं खा सकता। बेटे का वलीमा 10 लाख रुपए का करता, खुद बेटे के वलीमे का मीठा नहीं खा सकता। जबरदस्त कार है, बैठ कर 100 किलोमीटर सफर कर को नहीं आ सकता। क्यों? दिलों का सुकून नहीं है। अल्लाह के पास मांगो, हमें जितना सास के घर में मांगते नहीं उसका 20% अल्लाह के पास मांग लेते तो आज हमारी यह हालत ना होती।
ससुरे को देखे तो इतना खुश हो जाते जैसे काबतुल्ला को देखे तो खुश होता। मौलाना बोली ससुरा नहीं कहते उन्हें एटीएम कहते। तो बात शर्म आनी चाहिए दोस्तों। कुरान की अजमत अभी अशार पढ़ना वही कुरान कहता है। टाइम बताता हूँ सुनो याद रखना मेरे दोस्तों। मैं दिन देखता नहीं रात देखता नहीं सफर की सहूलत देखता नहीं खास तौर पर छोटे छोटे गांव वाले बुलाए तो मैं दिल से आता हूँ। मेरे वालिद की भी नसीहत यही बेटे शहरों से ज्यादा गांवों को जाओ क्योंकि शहरों में बड़े बड़े मौली साहब आ जाते हैं गांव में कौन भी नहीं आते। तुम्हारे से अगर फायदा पहुंच रहा है तो तुम्हें गांव को जाओ। मैं गांव वाला मौली साहब समझ में नहीं गांव वालों से बड़ी मोहब्बत मुझे आई लव यू बोलो। पॉइंट बताता हूँ सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान खाली अजमत कुरान क्या कहता है अगर वो बोलना शुरू करूँ तो कसम अल्लाह की एक साल लगेंगे कम से कम मेरे जहन में जो बातें हैं वो बयान करने के लिए। फिर उलमा का क्या कहना मौलाना नदवी का क्या कहना। कुरान कहता है कि मेरे बंदो मेरे से मांगो। थोड़ी क्या प्यार से बोलता मानो और क्या गारंटी से बोलता। अल्लाह को गारंटी देने की जरूरत है। अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा अल्लाह को गारंटी देने की जरूरत है। उन्हें अल्लाह भाई अल्लाह उन्हें अल्लाह पूरी कायनात उसके कब्जे में है। ये जमीन उसके कब्जे में ये आसमान उसके कब्जे में ये चांद उसका ताबे ये सूरज उसका ताबे ये हवा उसके ताबे ये आग उसके ताबे ये दरख्त ये परिंदे ये चरिंदे ये जन्नत ये दुल क्या क्या है सब उसका। उन्हें बोलकर बदलिया दे दे उसे पूछने वाला कौन नहीं है। दिस इज योर लॉ मंत्री उन्हें बोलकर बदल करते तो सब कभी पूछेंगे। बोलकर पूरा करा तो उसका एहसान है नहीं करा तो क्या भी नहीं। समझ में आ रही है बात। अल्लाह को गारंटी देने की जरूरत नहीं फिर भी अल्लाह बंदों के जहन को सामने रखकर गारंटी देता है। उदुउनी अस्तजिब लकुम कुरान की आयत थी आयत का छोटा सा टुकड़ा। समझ में आ रही है बात। पूरे उलमा बैठे हैं कई साहब बैठे हैं इधर बोलने ये पूरे मौली साहब के बीच में मैं कैसा हूँ बोलो दाता के बीच में जीत गलती बोल नहीं सकता हूँ। अरबी का एक ग्रामर आता है उसमें बीच में फा आना फा मालूम अली बा ता सा जीम हा खा उसके बाद स्वाद जान अल्लाह जवाब देना मतलब क्या मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुमको जवाब दूंगा मेरे से मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बीच में फा आना ग्रामर फायदे के अतबार से मौलाना इब्राहिम साहब को पूछो मुफ्ती साहब ने मौलाना नसीर साहब को पूछो मौलाना नदवी साहब बीच में फेल लेकर आना अच्छा लेकिन अल्लाह यहाँ फेल लेकर नहीं आया। कानून अलग अल्लाह की अता अलग कानून अलग अल्लाह की अता अलग। ये कानून हर जगह आएगा लेकिन मेरे देने और मेरे पास मांगने का जब मसला आता है ये बीच में फे नहीं आएगा। क्यों अल्लाह फरमाते हैं तू मेरे पास मांग कर मेरे बंदे मैं जब तुझे देता हूँ तो फे अदा करने का भी वक्त नहीं लगेगा उससे पहले दे देता हूँ। मांगो अल्लाह के पास सास क्या देंगे ससुरा क्या देंगे बाबा क्या देंगे अम्मा क्या देंगे
मोदी क्या देगा, योगी क्या देगा, ये लगा कुछ पेट भरे अभी अब तक पूरा मुल्क खाली है, अभी पेट भरे अभी देगा तो कौन देगा, अल्लाह देगा। बड़े लोग बच्चा मुझसे कहते हैं मंदिर ससरे के पता हुआ शर्म नहीं आती, शादी करा ली तुझे, शादी तकी तेरे मेरे पास मंगना तो शादी के बाद ससरे के पास। अब बच्चा पूछता कैसा वहां मंगना तो वो भी सीखा तो सुन रहे कैसा, देख तुझे 4 लाख बना सको 8 लाख, तुझे 2 लाख बना सको 4 लाख, तुझे 2 व्हीलर बना सको 4 व्हीलर, उन्हें भी क्या कहूंगा ना बी पेट का नौजवान था, उन्हें बोला क्या अब्बा जो उनको पूछना तो पहले उसके अम्मा को पूछना क्या पूछे। अल्लाह के पास मांगो दोस्तों। और एक सवाल है लोगों में, क्या सवाल, हजरत हमें गुनेगारा ना हजरत, हमें पूछे तो अल्लाह देता क्या, हमें पुकारे तो अल्लाह जवाब देता क्या। ये तकरीबन 99% लोगों के जहन में है, ये तुम्हें सब हजरत अभी बोली सवाल, तुम्हें नमाज़ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, तुम्हारी दुआ अल्लाह सुनता हजरत, हमें गुनेगारा ना हजरत, हमारी दुआ कहीं तू सुनता हजरत अल्लाह ताला, हमें पुकारे तो अल्लाह जवाब देता क्या हजरत। एक सवाल है नी जहन में, उल्टा उल्टा आकर बोलते दुआ करो हजरत, हमें भी बोलते तुम्हें दुआ करो मैं तुम ना कर सकता तो अल्लाह जवाब देता नहीं। अल्लाह को पुकारने के लिए नबी छोना, अल्लाह को पुकारने के लिए सहाबी छोना, अल्लाह को पुकारने के लिए नमाजी छोना, अल्लाह को पुकारने के लिए वली छोना, अल्लाह को पुकारने के लिए गौस कुतुब होना। अल्लाह फरमाता है नहीं, मुझे पुकारने के लिए बंदा होना, मुझे जो पुकारेगा मैं उसका जवाब दूंगा। बल्कि मेरे शेख फरमाते हैं, दूर दूर बैठे हैं वे सब सुनो, मेरे शेख बहुत बड़े वली फरमाते हैं कि एक वली खुदा को पुकारता है तो खुदा उतना खुश नहीं होते जितना गुनहगार जब अल्लाह को पुकारता है अल्लाह खुश हो जाते हैं। कई को कई को क्या हजरत, वली का गिरन गिरगा क्या, गुनहगार का गिरन बढ़गा क्या, एक सवाल आता नहीं आता। वली पुकारे तो अल्लाह उतना खुश नहीं होते जितना गुनहगार पुकारे तो खुश हो जाते हैं। कई को हजरत सवाल आता नहीं आता तुम्हारे तरफ से, मैं सवाल पैदा करता मैं जवाब देना, उल्टा माउस भी देना तुमको भी देना, माउस भी देना, अब जरा दिन में मुंह में डालो करेंगे, फिर जरा दिन के बाद अंगली डालो, गुजरा गुजरा। अच्छे अच्छे सवाल पैदा करो नौजवाना। तकबीर में हाथ कैसा उठाना, सवाल करो मौलाना से, हाथ कैसा बांधना सवाल करो, बिजनेस कैसा करना सवाल करो, कपड़े कैसा पहनना सवाल करो, सवाल करना भी इल्म है। लेकिन सवाल अच्छा रहना, मैं बोल को चले कर तुम्हें मौली साहब का मुर्दा उठाने को, मैंने ये मौली साहब क्या रे, ये मौली साहब को हमने मुसीबत में डाल डाले था, उसे पूछा तुझे डाउट आया कहीं तुम्हारा नहीं, दूध गाढ़ा पीना था, अब दूध पी रही है।
पानी पी लिए तो अंदर पतला हो जाता ना। मैं बोला अच्छा वैसा कर तो दूध पी को पानी भी पी सकते, ऊपर चाका पत्ता डाल को शक्कर डाल को इष्टो में बैठ जा। अच्छे सवाल पैदा करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते सवाल करना आधा इल्म, अस्सुआलु निस्फुल इल्म। सवाल करना आधा इल्म, जवाब देना पूरा इल्म है। नमाज पढ़ लेने के बाद हजरत के पास आते बैठ के एक सवाल रोजाना एक मसला मालूम करो। पेट के मुसलमानों रोजाना एक मसला मालूम करो, साल में 360 पर 5 मसले मालूम हो जाते। 10 साल में 3600 मसले मालूम हो जाते। वली पुकारे तो अल्लाह उतना खुश नहीं होते जितना गुनहगार पुकारे तो खुश हो जाते हैं। कई को अल्लाह फरमाते हैं वली तो पहले से खाको है मेरे पास, गुनहगार पुकारता है मैं खुश हो जाता हूँ, इन्हें भी आगा। और एक बात सुनो क्या मजे की है, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब ये मैं बात करता हूँ। वली अगर अल्लाह को पुकारता है अल्लाह फरमाते हैं आओ इधर, गुनहगार पुकारता है अल्लाह फरमाते हैं खाली पुकार तो तू मेरे पास आने को मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हाँ हाँ क्या बात है, पुकारो उसे, पुकारो उसे, बुलाओ। आज सारी दुनिया मौलाना नदवी साहब आप मेरे बड़े हैं मुझे कहने दीजिए, आज सारी दुनिया का मुसलमान परेशान है तो उसे ना पुकारने की वजह से परेशान है। खुदा की कसम हिंदुस्तान का मुसलमान, आंध्र प्रदेश का मुसलमान, नहीं हजरत हमें आंध्र वाले परेशान नहीं, बोलो लोगो सब मुसलमान के दुश्मन। कोई खुला दुश्मन कोई छुपा दुश्मन, आज मुसलमान का सिवाय अल्लाह रसूल के कोई नहीं। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ थूड़ियां पकड़ कर कहता हूँ मेरे दोस्तों, तुम्हारे खाने पे दोस्ती का हाथ डाल कर कहता हूँ मेरी बात पर भरोसा करो, आज जमीन में खुदा की कसम सिवाय अल्लाह रसूल के हमारा कोई नहीं। बल्कि ये उलमा इजाजत दे तो आज हमारा सगा भाई हमारा नहीं है, आज हमारे बच्चे हमारे नहीं है। वही बच्चा बाप की आज कदर करता है जिस बाप के पास दौलत हो, वही बच्चा बाप का अदब करता है खिदमत करता है जिस बाप के पास दौलत हो। आज सगा भाई हमारा नहीं, आज हमारे बच्चे हमारे नहीं। ये मेरा तजुर्बा है, मैं बहुत गहराई में जाकर कह रहा हूँ, मेरी बात ये गलत हो जाए तो मेरे लिए खुशी की बात। आज माँ बाप हमारे नहीं है, चार बेटा था रहे तो माँ बाप भी वो बच्चे को तोलते जिसके पास दौलत है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैंने जमाने को देखा है, हालात को देखा है, मेरे पास हालात आते हैं आज बदल गए, आज कोई हमारा नहीं। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा बोलो जरा देखेंगे, दुनिया का, दुनिया में हमें ही नहीं हमारे रिश्तेदार ही नहीं, माँ बाप हमारे रिश्ते, बच्चे हमारे रिश्ते, भाई बहन हमारे रिश्ते, बीवी हमारा रिश्ता, शौहर हमारा रिश्ता,
जितने खलेरे मौलेरे फुफेरे सब इन्हीं ये तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता कौन सा बोलो। शाबाश माशाल्लाह। सबसे ज्यादा मजबूत गहरा रिश्ता जो कयामत तक बल्कि जन्नत में भी यही रिश्ता रहेगा। सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। हमारे साथ कौन रहेंगे? देखो कितना हिंदू बोलते हैं डर गए ही। ये मुसीबत वहां भी आती क्या हदर हो जाए। सोडान में एक मौलाना सोडान मालूम सोडान अरबी मुल्कों में से एक मुल्क है। सोडान में एक मौलाना बयान करते करते रिवायत पेश करे करते जन्नत में सामने सोडानिया बैठे थे तो मौलाना बयान कर रहे जन्नत का तस्करा कर रहे हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत है। जन्नत में नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं। शराब का तो आंध्र की शराब नहीं, वो जन्नत की शराब। शराब की नहरें हैं, सोने चांदी के महल्लात हैं, हीरे जवाहरात हैं, जबरदस्त है, याकूत है, फुला है। मजा ले रहा है सामने सोडानी और सुभान अल्लाह। और जन्नत में एक एक जन्नती को सबसे लो क्लास का जन्नती है उसे 70-70 हूरों से अल्लाह निकाह करे। सुभान अल्लाह, हैया कल्ला या इमाम, हैया कल्ला। अल्लाह आपको जिंदा रखे, क्या अच्छी बात बताई आपने। अहादा काल रसूलुल्लाह, क्या ये रसूलुल्लाह ने फरमाया? नाम हादा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नबी ने फरमाया। सामने बैठा हुआ सौदानी कहे हादा हदीस सही हो, ये हदीस सही है। उसके बाद इमाम साहब बोले कहते ये 70 हूरों की सरदार दुनिया में जो तुम्हारी बीवी है उन्हें रहेंगी। फौरन सौदानी बोले कहते हादा हदीस ज़ईफ, ये हदीस हो नहीं सकती, ये मुसीबत। अल्लाह जन्नत में मुसीबत नहीं बोलकर बोलिया तुम्हारे से पहले बोलोगा बोले मुसीबत नहीं को बोल को तुम्हें देखा तो यहाँ की जरूर वहां भी आती बोलकर बोले नहीं, ये हदीस नहीं पे। दुनिया का सबसे करीब करीब रिश्ता एक पॉइंट बताता हूँ, सुनो मेरे दोस्तों। अल्लाह रसूल के अलावा हमारा कोई नहीं है। उसे पुकारो कि हजरत तुम्हें पुकारते नहीं क्या? मौलाना पुकार। एक बात याद रखो, तन्हा मेरी परेशानी रही तो मैं अकेला पुकारा तो मेरी परेशानी क्लियर होती। जब पूरी जमात के ऊपर परेशानी आती है तो पूरी जमात को खुदा को पुकारना पड़ेगा। यही कानून है। 100 लोगों पर मुसीबत आती है, 90 पर 9 लोग भी पुकारेंगे वो मुसीबत दूर नहीं होगी जब तक के 100 लोग बराबर पुकारे। तन्हा मेरे ऊपर मुसीबत है, मुझे बेंगलुरु को जाने की बस नहीं मिली, मेरी परेशानी है। अल्लाह मेरे बेंगलुरु को जाने का कोई इंतजाम कर तो अल्लाह मेरा इंतजाम करेंगे। लेकिन जब मुसीबत पूरे लोगों पर आती है तो पूरे लोगों का खुदा को पुकारना पड़ेगा, तब जाकर मुसीबत दूर होती है। इसलिए जो मुसीबतें पूरी उम्मत पर आई है तो उम्मत को चाहिए कि मुत्तफिक होकर अल्लाह को पुकारे ताकि अल्लाह उस मुसीबत से उम्मत को ऐसे नजात दे जैसे मूसा की उम्मत को फिरौन से नजात दिया है। पुकारता है अल्लाह ताला फरमाते हैं आओ इधर आओ। गुनहगार पुकारता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अब तो पुकार लिया, ये आने की भी जरूरत नहीं, मैं तेरे पास आता हूँ। सिवाय अल्लाह के रसूल के कोई नहीं। समझ में आई बात? वो मियां बीवी का रिश्ता भी आज शौहर के पास कैसे रहे तो बीवी भी फेरन लवली लगाती है। देखो हजरत करी देखो मतलबी दुनिया। हमने कुरान में पढ़ा हशर के मैदान की एक कैफियत होगी, वो उम्मी ही वो अभी वो साहिबती ही वो बनी लिकुल्ली मिनहुम यौ
यौमा इदिन शानुन युगनी, माँ माँ की जगह